अगर आप भी अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो Sharazicars.pk पे आएं और अपनी गाड़ी का एड लगाएं और अपनी गाड़ी को कुछ ही मिनटों में बेचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शराज़ है और आप लोग देख रहे हो शराज़ी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोयोटा करोला के बारे में। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि टोयोटा करोला की नई फेसलिफ्ट आ रही है और उसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टोयोटा करोला एक्स भी पाकिस्तान में आ रही है। फाइनली टोयोटा कंपनी ने ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है। ये गाड़ी ऑफिशियली 1 दिसंबर को पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की पाकिस्तान में बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टोयोटा कंपनी इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या दे रही है और जो नई फेसलिफ्ट आई है उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर मिल रहे हैं और कौन से वेरिएंट के अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा है। और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टोयोटा करोला जो नई पाकिस्तान में आ रही है उसके साथ गाड़ी की जो कीमत है वो भी ज्यादा होने वाली है। जी हाँ, टोयोटा कंपनी ने इस गाड़ी की जो कीमत है वो भी ज्यादा कर दी है। अगर आप लोग टोयोटा करोला की नई कीमत के बारे में या फिर इसके अंदर आप लोगों को क्या फीचर मिल रहे हैं और टोयोटा करोला एक्स के अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा है, अगर आप लोग इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी वाले आइकन को भी ऑल पे कर दें। इस दूसरे चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल पर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाता हूँ, तो एक दफा आप लोग इस चैनल को जरूर चेक करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैनल पसंद आएगा। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं टोयोटा करोला के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि थाईलैंड के अंदर 2017 के अंदर एक फेसलिफ्ट आई थी जो कि पाकिस्तान में भी आ रही है। आप लोगों को याद होगा 2017 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक फेसलिफ्ट आई थी जो कि थोड़ी पुरानी थी। उसी साल टोयोटा करोला की एक फेसलिफ्ट थाईलैंड के अंदर भी आई थी। तो ये वही थाईलैंड की फेसलिफ्ट है जो कि पाकिस्तान में आई है। तो इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को जो सबसे बड़ा चेंज मिलता है वो गाड़ी की फ्रंट साइड और गाड़ी की बैक साइड है। गाड़ी की फ्रंट और बैक साइड पे आप लोगों को जो बम्पर्स मिलते हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। आप लोग गाड़ी के स्क्रीन पे पिक्चर भी देख रहे हो और वीडियो भी देख रहे होंगे। गाड़ी की फ्रंट साइड पे भी आप लोगों को एक नया बम्पर देखने को मिलता है और गाड़ी की बैक पे भी आपको नया बम्पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग को गाड़ी की फ्रंट और बैक साइड पे स्पॉइलर भी चेंज मिलते हैं जो कि दिखने में काफी प्यारे लग रहे हैं। गाड़ी की जो फ्रंट और बैक लुक है वो पहले से दिखने में काफी प्यारी लग रही है। ये जो गाड़ी के फ्रंट और बैक पे चेंजेस है ये आप लोग को गाड़ी के हर वेरियंट के अंदर मिलते हैं। आप लोगों को पता है एक्सएल और जीएल तो पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। तो ये जो नई करोला है ये आप लोगों को अल्टस 1.6, अल्टस 1.8 और 1.8 ग्रैंडी एक्स के अंदर आप लोगों को ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को गाड़ी के जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया कि उसके अंदर आप लोगों को क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर फीचर कौन से दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर आने वाले हैं जो कि नहीं आए। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर वाले फीचर के बारे में, कौन सा नया फीचर इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। वो फीचर ये कि आप लोगों को पता है कि पहले जो गाड़ी का ड्राइवर होता था उसका जो सीट बेल्ट था उसके इंडिकेटर आप लोगों को गाड़ी के अंदर मिलता था, लेकिन अभी जो गाड़ी की फ्रंट साइड पे जो ड्राइवर के साथ बंदा बैठा होगा मतलब पैसेंजर जो बैठा होगा उसके सीट बेल्ट की वार्निंग भी आप लोगों को मिलेगी। ये जो फीचर है ये आप लोगों को करोला फेसलिफ्ट के हर वेरिएंट के अंदर मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर वाले फीचर के बारे में। जो दूसरे नंबर पे फीचर है उसका नाम है फोग लैंप कवर। ये आप लोगों को करोला अल्टस 1.6 के अंदर नहीं मिलता। इसके अलावा जो दूसरे वेरियंट है 1.8 और 1.8 ग्रैंडी उन दोनों के अंदर आप लोगों को फीचर मिलता है। इसके अलावा दो ऐसे फीचर है जो की आप लोगों को ग्रैंडी एक्स के अंदर ही मिलते हैं, बाकी वेरियंट के अंदर आप लोगों को ये फीचर नहीं मिल रहे। इनमें जो पहला फीचर है उसका नाम है ईसी मिरर। ये मिरर ये है कि इसके अंदर आप लोगों को बटन मिलता है जिसकी वजह से आप लोगों को रात के वक्त जो लाइट पीछे से पा रही होती है गाड़ी की वो आप लोगों को नहीं पड़ती। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो फीचर मिलता है वो है ब्लैक इंटीरियर। ये भी आप लोगों को ग्रैंडी एक्स के अंदर मिल रहा है, इसके अलावा जो दूसरे वेरियंट है उनके अंदर आप लोगों को ये फीचर नहीं मिल रहा। तो ये जो चार फीचर थे यही आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा गाड़ी का डिजाइन ही चेंज हुआ है, इसके अलावा कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो फीचर के बाद बात करते हैं गाड़ी की कीमत के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ गाड़ी की जो कीमत है वो भी ज्यादा की गई है। तो आप लोग गाड़ी की जो कीमतें हैं वो स्क्रीन पे देख सकते हो। अल्टस 1.6 के अंदर जो गाड़ी कीमत ज्यादा की गई है वो है 60,000 रुपया और अल्टस 1.8 की जो कीमत है वो तकरीबन 70,000 ज्यादा की गई है। इसके अलावा आप लोगों को अल्टस ग्रैंडी 1.8 जो कि सिंपल बीज इंटीरियर के साथ आ रही है उसके अंदर आप लोगों को जो प्राइस है वो तकरीबन 80,000 ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोगों को जो ब्लैक इंटीरियर वाले ग्रैंडी मिलेगी उसकी तकरीबन प्राइस जो है 1 लाख तक ज्यादा कर दी गई है। आप लोग हर वेरियंट की जो प्राइस है वो स्क्रीन पर देख सकते हो कि पहले कितनी थी गाड़ी की प्राइस और अब कितनी है। अभी तक ये गाड़ी शोरूम वगैरह पे नहीं है, जैसे ही गाड़ी शोरूम वगैरह पे आ जाती है तो मैं इस गाड़ी का वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।